Hey guys, this is Sujit and welcome to my channel. So friends, in this video, I'm going to explain you about present perfect continuous tense. So friends, आज के इस वीडियो में present perfect continuous tense के बारे में बात करेंगे. So हम तीन टाइप्स के बारे में बात कर लिए हैं, present indefinite, continuous and perfect tense. So यहाँ पर आप present perfect continuous tense मतलब perfect और continuous से मिलकर ये tense बना है. Alright friends, so I think आपको ये समझ में आ जाएगा क्योंकि आपके तीन tense अगर clear है तो ये tense आपको clear हो जाएगा. ओके सो इस टेंस को सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आने वाली है मेरे इस चैनल पर. सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने का, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना. हमने तीनों टेंस को आइडेंटिफाई किया था तो इस वर्ड को भी हम इस टेंस को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो इसके आइडेंटिफिकेशन है से रहा है, से रही है, से रहे हैं. ओके से रहा है, से रही है, से रहे हैं, मतलब किसी काम को से रहे हैं, मतलब किसी टाइम से आप किससे से रहे हैं. तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर में आपको देखना होगा, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो. तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. मतलब आप इस टेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है बट सो बहुत ही इजी है. किसी टाइम को लंबे टाइम के लिए बताना हो या कुछ सेकंड्स के, कुछ मिनट या कुछ आवर्स के लिए बताना हो आपको, तो आप इस टेंस का यूज कर सकते हो इन इंग्लिश में. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है इसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो. सब्जेक्ट लिखिए, वो बता दिया मैंने आई वी डू, और लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है. फ्रेंड्स इस वीडियो में बता दूं कि आपको, चलिए बता देता हूँ. आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज लगेगा, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज और नेम के साथ हैज. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इसके साथ लगेगा आई हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन एंड यू हैव बीन. अब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन एंड नेम हैज बीन. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे इसके सब्जेक्ट. अब और इसके साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बात कर ली है. और नाउ आई टॉक अबाउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, जो हमने कॉन्टीन्यूस के फॉर्म में यूज कर रहे थे फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब. सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा. ऑलराइट फ्रेंड्स, इवेंचुअली आपको आपके काम को कॉन्टीन्यूस फॉर्म में बताना है. ऑलराइट फ्रेंड्स, आप इसके बाद ऑब्जेक्ट का इसका यूज कर सकते हो एंड देन सिंस और फॉर का यूज कर सकते हो. अब यहाँ पर बात करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको फॉर कहाँ यूज करना है, सिंस कहाँ यूज करना है. तो सिंप्लीफाई होके और प्लीज लुक एट मी एंड लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो सुनिए ध्यान से. पहले मैं सिंस के बारे में बात करता हूँ. सिंस आप वहाँ यूज कर सकते हो फ्रेंड्स जहाँ पर परफेक्ट टाइम की बात हो जाए. परफेक्ट मतलब कि परफेक्ट जो टाइम हो उसके बारे में बात कर दिया है. लाइक 2020, जो 2020 है परफेक्ट टाइम है. 2019, 2018, 2016 ये है आपके परफेक्ट टाइम. आप किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदे होंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते होंगे तो उसकी जो इन्वेंशन ईयर है वो वहाँ पर लिखा होगा सिंस 1961, सिंस 1965 इस तरह से, क्योंकि वो उसकी परफेक्ट डेट है. परफेक्ट डेट है कि यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है. तो यहाँ से भी आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि सिंस का यूज़ परफेक्ट टाइम के लिए होता है. और आप सिंस का साथ इसका सिंस मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हो. सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस फॉर्म में आप उसका यूज कर सकते हो. मतलब परफेक्ट टाइम होना चाहिए कि ये परफेक्ट होता ही है रेगुलर. ऑलराइट, आपका ये टाइम मतलब ये टाइम परफेक्ट होना चाहिए कि ये होना होता ही है. ओके एंड नाउ आई टॉक अबाउट फोर. फोर कहाँ पे यूज करता है फ्रेंड्स, फोर कहाँ पर यूज होगा. फोर बोलता है कि मैं वहाँ पर यूज होगा जहाँ पर अनपरफेक्ट टाइम की बात होती है. अनपरफेक्ट टाइम मतलब कि दो घंटे से, फोर टू आवर्स, दो मिनट से, फोर टू मिनट्स, पाँच मिनट से, फोर फाइव मिनट्स, टेन मिनट से, फोर टेन मिनट्स, तो यहाँ पर इनका यूज होगा. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. और इसके बारे में बात कर दूँ, ये इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था. इसी के बाद में अब नेगेटिव की बात कर देता हूँ. नेगेटिव थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, क्योंकि सब्जेक्ट लगता है, जिसे मान लो सब्जेक्ट हम लिखते हैं वी, वी के साथ हम लगाएंगे हैव बीन, वी हैव बीन, तो इसके हैव और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना पड़ेगा. वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट, मैंने बोला आपको थर्ड नंबर पर लगाना है. वी हैव नॉट बीन तो आ रहा है लास्ट में, तो मैंने आपको बोला थर्ड प्लेस टेंस का यूज करना है, नॉट का. We have not been, इसके फॉर्म में आप सभी का यूज कर सकते हैं. I have not been, we have not been, they have not been,
you have not been, he has not been, she has not been, it has not been and name has not been. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा. इसके बाद में आप इसका यूज कर सकते हो, किसका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो. चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से बस देखना है, सिंपल है फ्रेंड्स. आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मैं 5 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 5 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ. देखो से रहा इसमें आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, 5 मिनट से बना रहा है. ठीक है, तो 5 मिनट क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो 5 मिनट क्या है. अनपरफेक्ट टाइम है, मतलब 4 का यूज होगा. तो लास्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो फॉर 5 मिनट्स. फॉर 5 मिनट्स मतलब मैं 5 मिनट से वीडियो बना रहा हूँ. सिमिलरली आपको नेगेटिव बनाना है. आई हैव नॉट बीन मेकिंग वीडियो फॉर 5 मिनट्स. आई हैव नॉट बीन मेकिंग वीडियो फॉर 5 मिनट्स. ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया है. ओके, अब इसी को आपको पूछना हो इंटरोगेटिव में, क्या आप 5 मिनट से वीडियो बना रहे हैं, तो हैव यू बीन, क्या आप 5 मिनट से वीडियो बना रहे हैं. हैव यू बीन मेकिंग वीडियो फॉर 5 मिनट्स. हैव यू बीन मेकिंग वीडियो फॉर 5 मिनट्स. क्या आप 5 मिनट से वीडियो कहाँ बना रहे हो, तो आप ये क्वेश्चन भी हो सकता है ना डबल इंटरोगेटिव के फॉर्म में. तो आप यूज सकते हो वेयर हैव यू बीन मेकिंग वीडियो फॉर 5 मिनट्स, वेयर हैव यू बीन मेकिंग वीडियो फॉर 5 मिनट्स. सिमिलरली आप ऐसा यूज कर सकते हैं. चलिए मैं एक 2-3 एग्जाम्पल और नेक्स्ट देखता हूँ, आपको बना के बताता हूँ. मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ. आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स. मैं 2018 से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ. आई हैव बीन डूइंग इंजीनियरिंग सिंस 2018. देखो ये परफेक्ट टेंस था, मैंने यहाँ सिंस का यूज़ करा. ठीक है, मैं 2 घंटे से टेलीविजन देख रहा हूँ. आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन फॉर 1 आवर. मैं 12 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, 12 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ. फ्रेंड्स बहुत लंबा ड्यूरेशन है, फिर भी 4 का यूज करेंगे. ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 12 hours. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे. तो आई थिंक आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी. तो आप खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए फ्रेंड्स, और एक सेंटेंस जरूर इस कमेंट में डाल दीजिए, ताकि मुझे लगे कि आपका आपको इस टेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हो, और आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपका सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हूँ. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.